الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء الكرام اور اس بستی کے معزز حاضرین، قرب و جوار سے آنے والے مہمانان کرام، میں اس بستی میں مولانا نوشاد صاحب کی زندگی میں ایک مرتبہ آیا تھا، پھر اس کے بعد مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جمعیت علماء کے وہ بڑے پرانے اور بڑے مخلص خادم تھے، آخری سانس تک وہ جمعیت علماء کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اصل میں میری حاضری تعزیت ہی کے سلسلے میں تھی. ملک کے حالات اور مجھ کو پیش آنے والے عوارض مجھے اس حادثے کے بعد یہاں حاضری نہ کرا سکے. مولانا نوشاد صاحب سے میرے تعلقات دید و شنید دارالعلوم دیوبند سے تھی، لیکن دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے اور میں اپنے تعلیمی مشاغل میں ادھر ادھر جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے بزرگوں کی عنایت اور اپنی تہی دستی کے باوجود دارالعلوم تک پہنچا. پھر اس کے بعد میری بھی جمعیت علماء سے وابستگی ہو گئی. زمانۂ طالب علمی میں میرا تعلق جمعیت علماء سے بس یہی تھا کہ میں سنتا تھا اور کچھ نہیں. جب میں دارالعلوم میں اس قضیے کے بعد جس میں دارالعلوم دو حصوں میں بٹ گیا، جمعیت علماء سے قریب ہوا، تو مولانا نوشاد صاحب کو میں نے جمعیت علماء کا بڑا سرگرم رکن پایا، انتہائی مخلص اور انتھک کام کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ حق ادا کرنے والا. قرآن شریف میں ایک دو آیتیں ہیں جن کو سب پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، بڑی بربادی ہے تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے.
आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि तकफीफ का पाप क्या पाप है। शराबी शराब पीता है, पाप करता है। बदकारी करने वाला बदकारी करता है, पाप करता है। जुआरी जुआ खेलता है, पाप करता है। तकफीफ का पाप क्या पाप है? कुरान कह रहा है बड़ी बर्बादी है इन लोगों के लिए। फिर अगली आयत में कुरान खुद बताता है कि तकफीफ का पाप क्या पाप है। اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ। जब वो तोल कर अपना सामान लेते हैं तो तुलवा कर या नपवा कर किसी बड़ी दुकान से, तब तो पूरा पूरा ले लेते हैं। अगर 1000 रुपये का सामान खरीदा 10 किलो मिसाल के तरीके पर, तो मजाल नहीं है कि 1 ग्राम भी कम होने दें, पूरा ले लेते हैं, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन कुरान कहता है वइदा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून, लेकिन जब अपनी दुकान पर लाकर बेचते हैं, दूसरे को दे देते हैं, तो दूसरे के माल को देते हुए उसमें कटौती कर लेते हैं। पैसे पूरे ले लिए, माल में कमी करनी। ये तकफीफ का पाप है जिनके लिए कुरान कहता है वैल للمطففين, इस पाप के करने वालों के लिए वैल है। वैल का मतलब है बड़ी बर्बादी। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये जहन्नम में एक खास जगह है जिसका नाम है वैल। इसका मतलब ये है कि ये पाप इतना बड़ा पाप है कि ये जहन्नम में शराबियों के साथ इस पाप का करने वाला नहीं रहेगा, जुआरियों के साथ नहीं रहेगा, मुंह काला करने वालों के साथ नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा पाप है कि इसके लिए एक मुस्तकिल जगह है, वही वहां रहेगा। अब ये तो कुरान की एक आयत है। कुरान मुख्तसर किताब है। कुरान ने एक चीज अपने बंदों को बतलाई है कि अपना हक पूरा ले लेना, दूसरे के हक को अदा करते हुए कटौती कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खरीदो फरोख्त एक मिसाल है, वरना जहाँ भी दुनिया में आदमी एक हाथ से अपना हक लेता है, दूसरे हाथ से देता है, वो तकफीफ का पापी है जिसके लिए वैल है। कहीं भी हो, किसी भी काम के अंदर हो, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सिर्फ एक बाजार में खरीद और फरोख्त का मसला नहीं है कि अपना हक पूरा ले लिया, दूसरे का हक कम कर, नहीं। अगर शौहर बीवी से अपना हक पूरा ले ले, बीवी का हक अदा करने में कटौती कर ले, कमी कर ले, वही للمطففين, ये तकफीफ का पाप है, इसके लिए जहन्नम में वही ले। इसी तरह इसका उल्टा, बीवी शौहर से अपना हक पूरा ले ले, शौहर का हक अदा करने में कमी कर दे, वैलुल للمطففين। इसी तरह औलाद माँ से बाप से अपना हक पूरा ले ले और लेकर जवान हो गई, और बदनसीब जब बूढ़े माँ बाप सहारे के मोहताज हैं तो उनका हक अदा करने में कमी कर दे, वही लुल मुतफ्फिफी। मसला सिर्फ गरीब फरोख का नहीं है। अब यहाँ आइए,
मुलाजिम है आदमी किसी का, अपनी तनख्वाह पूरी ले ले और जिसका मुलाजिम है हक अदा करने में कमी कर दे, वही लोन मिले मुतक्की थी। इसी तरह जिसका मुलाजिम है वो मुलाजिम से अपना अपना हक और खिदमत पूरी ले ले और जब मुलाजिम का हक अदा करने का वक्त आए उसमें कटौती कर, वही लोन मिले मुतक्की थी। मैंने ये इस बात यहाँ इससे मुताल्लिक नहीं की, मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 10-15 साल से जब तक जमीयत उलमा में आया, मौलाना नौशाद साहब उन लोगों में थे कि जमीयत से जितना अपना हक लेते थे जमीयत को हक कम नहीं इससे ज़ाहिर ही अदा करते थे। तकफीर तो बहुत बड़ा पाप है, उस शख्स का कोई और काम ही नहीं था अलावा इसके कि जो जमीयत उलमा ने खिदमत सिपुर्द की है और जिसकी वो तनख्वाह लेते थे, जमीयत का हक अदा करने के अंदर उनकी कोई कमी नहीं थी। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मौत ऐसी चीज है कि इस दुनिया के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला मौत देगा। जब भी हमारी दुनिया खत्म हो रही है लेकिन ये मौत के बाद ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जब एक दूसरी दुनिया कायम करेगा, इस दुनिया को खत्म करेगा, दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। इन आयात के बाद उसी को फरमाने के तकफीर का पाप करने वाला क्या ये नहीं समझता, क्या उसे ये यकीन नहीं है कि इस जिंदगी के बाद मौत आएगी, मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, ये लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे एक बहुत बड़े दिन में, बड़े भयानक दिन में। और वो दिन क्या होगा, यौम यकूमु नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सारी दुनिया के लोग आदम से लेकर और आखिर से आखिरी दुनिया के मरने वाले आदमी तक तमाम के तमाम लोग दोबारा जिंदा करके रब्बुल आलमीन के सामने खड़े कर दिए जाएंगे। क्यों, आज जो कुछ दुनिया के अंदर किया है उसका हिसाब दो, एक एक कौड़ी का हिसाब हो जाएगा और सारी दुनिया की जिंदगी का हिसाब होगा। अल्लाह ने दुनिया को सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया है कि आदमी खाए पिए कमाए ऐश करे, सही है ऐश करो, सारी दुनिया का जमीन और आसमान इंसान ही के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करेगा आदमी तो कल अल्लाह के यहाँ ये हिसाब भी देना होगा कि हमने पैदा किया था तुझे और हमने पैदा किया था उन चीजों को, उनका इस्तेमाल किया कभी हम भी याद आए या याद नहीं आए। कभी आज का ये दिन ये जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद फिर जिंदगी और उस दूसरी जिंदगी के अंदर कण कण का हिसाब कभी याद आया या नहीं याद आया ये पूछा जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही बात फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. الله
अल्लाह का नबी फरमाता है कयामत के दिन सारी दुनिया रब्बुल आलमीन के सामने होगी, किसी आदमी का कदम उठकर आगे बढ़ नहीं सकता जब तक पांच सवाल ना हो जाएं और पांच का जवाब ना दे। जिस आदमी के सामने वो दिन है कि मुझे कल को रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर जवाब देना है, वो कामयाब है जिसने भुला दिया ना काम। उसी को इनायत में अल्लाह बयान फरमाता है यकीन के माना में है। क्या उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं है जो आज पाप कर रहे हैं तकलीफ का कि दोबारा जिंदा करके अल्लाह के दरबार में भेजे जाएंगे और कदम आगे बढ़ेगा नहीं जब तक पांच सवाल ना हो जाए। वो सवाल क्या है? पांच सवाल है। पहले दो सवाल जिंदगी के बारे में, अन हयाती फीमा अपना, जिंदगी तेरी नहीं थी, हमने तुझे पानी के कतरे से पैदा किया, हम ना पैदा करते तेरा वजूद भी कभी ना, दुनिया में कोई जानता भी नहीं तू का कौन, हमने तुझे जिंदगी दी थी, ये बता कि हमारी दी हुई जिंदगी को तूने कहां गंवाया, तेरी जिंदगी 50 साल की थी, 80 साल की थी, 100 साल की थी, 150 साल की थी, 200 साल की थी, हमें आज ये बता कि तेरी जिंदगी तेरी अपनी नहीं थी, हमारी दी हुई थी, हमें यह हक है, हम आज पूछते हैं बता हमारी दी हुई जिंदगी को कहां गंवाया। 100 साल का हिसाब आज कोई किसी को दे याद रहेगा, लेकिन अल्लाह को हिसाब लेना है, दिमाग सही रहेगा, एक क्षण बराबर भूलेगा नहीं, हिसाब देगा। अच्छा हिसाब सही है, गलत दिया, क्या दिया, झूठ बोला, ये तो बाद की बात है, हो गया। दूसरा सवाल इसी जिंदगी के बारे में, वान शबाब ही फी मामला, जिंदा तू माँ के पेट से पैदा इस तरह हुआ था कि अगर कन उंगली रख दी जाती तो आंखें बाहर आ जाती, जान निकल जाती, हमने वहां से उठा करके तुझे जवान बना दिया, अब पहाड़ से टक्कर लेने के लिए खड़ा हो जाता है, ये जवानी हमारी भी हुई है, माँ के पेट से जवान पैदा नहीं हुआ था। आज हमें हिसाब दे कि हमारी दी हुई वो जवानी तूने कहां बिताई है, ये बता आज हमें। कभी तुझे तू देखता था अपनी आंखों से जनाजे उठते हुए, तुझे कभी याद आया जवानी में कि मेरी मौत भी आएगी, मुझे भी लोग इसी तरह कब्र में दफन करेंगे, आज हमें इसका हिसाब दे। अच्छा चलिए हो गई, अब दो सवाल और हैं, गौर करने की बात है, वो अन मालिही मिन अयन तसबहु व फीमा अनफकहु, ये बता माँ के पेट से एक फूटी कौड़ी भी लेकर बाहर नहीं आया था, हमने तुझे जिंदगी दी और उसके बाद तुझे करोड़ों का मालिक बना दिया, ये बता एक एक पाई कहां कहां से कमाया है, हलाल कमाया है, हराम कमाया, आज हमें यहां हिसाब दे। ठीक है हो गया, अच्छा कमाने का हिसाब दिया, अब हमें एक एक पाई का हिसाब दे, कहां गंवाया, खर्च कहां कहां किया है।
ये चौथा सवाल है, वान माली मिन ऐनक वान माली मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफकहु, बता खर्च कहां कहां। माल तेरा नहीं था, तू और वो फकीर जो सड़क पर खड़े होकर सुबह से शाम तक भीख मांगता है, दोनों माँ के पेट से खाली हाथ आए थे। तो हमारा कर्म था कि तुझे करोड़ों का मालिक बना दिया और वो फकीर है सुबह से शाम तक भीख मांगता है, कभी मिलती है रोजी कभी नहीं मिलती। हमें हमारा हमारी अता करता जिंदगी और माल का हिसाब दे। और पांचवा सवाल होगा, वमादा अमिला बिमा अलिमा, ये बता जितना तू जायज नाजायज और हलाल और हराम जानता था तूने उस पर अमल कितना किया। ये पांच सवाल होंगे। पहले दो सवाल जिंदगी के बारे में, दूसरे दो सवाल माल के बारे में, और आदमी के सामने उसकी सारी जिंदगी होगी, सब उसके सामने होगी और देख रहा होगा कि है क्या मेरी जिंदगी। कोई चीज भूली हुई नहीं होगी। आदमी देखेगा, कुरान कहता है मालिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा वजदू मा अमिलू हाज़िरा। अरे कमाल की ये किताब है कैसी, मेरा नामा आमाल फरिश्तों ने बनाया है कि मेरी पूरी जिंदगी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसी काम को इसने छोड़ा नहीं। लेकिन इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनकार करेंगे, क्या है अल्लाह हम तो बड़े दूध के धुले थे, ये किताब तो झूठी किताब है, ये तो अव्वल से आखिर तक झूठ ही झूठ है, हमने तो कभी ये बात किए ही नहीं थे। कुरान कहता है अच्छा اليوم نختم على افواههم, आज हम उनके मुंह पर थोड़ी देर के लिए मोहर लगा देंगे, बंद कर देंगे। बहुत चपड़ चपड़ बोल रहा है, फिर क्या होगा, وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا, हाथ बोलने लगेगा कि ए अल्लाह हमसे कत्ल कराया था इसने, हमसे चोरी कराई थी, हमसे कत्ल कराया था, पैर कहेगा हमले करके गए थे, जबान कहेगी हमसे झूठ बोलवाया था, कान कहेंगे कि हमने हराम सुना था, आंख कहेगा हमने, दिल कहेगा हमसे हराम की चाहत कराई थी, पेट कहेगा हमसे हमने हराम खाया था। थोड़ी देर के बाद फिर उसके बाद उसकी जबान को खोल दिया जाएगा तो अब खुद ही अपने हाथ पैर पेट से कहेगा लिम शहीद तुम्हारे ना, अरे बदनसीब हाथ पैर पेट तुझी को भरने के लिए तो मैंने हराम कमाया था, आज तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। कहेंगे कालू अंतकन अल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्लज़ी, जिस अल्लाह ने हर चीज को जबान देकर बुलवाया है, आज उसने हमें जबान दी थी, हमसे कहा बोलो बोलने। आज सारी दुनिया में झगड़ा है, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी जबान काट दी, मेरा कान का, कोई चीज मेरी, हर चीज अल्लाह ने बनाई है अल्लाह की, और कयामत के दिन उसी के जो कहेगा हर चीज वही कर देगी। मेरे भाई ये एक हिसाब और किताब की चीज है, जिसको कुरान कहता है, अल्लाह का नबी कहता है हर वक्त याद रखो,
जो याद रखता है वो कामयाब है, जिसने भुला दिया वो नाकाम। मैं ये बात सब इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी पाप नहीं कर रहा है, जितना ले रहा है उसके बराबर या उससे ज्यादा दे रहा है, वो ही इंसान कामयाब है। कल किताब सामने आएगी फरिश्तों की, अल्लाह पूछेगा और मुकम्मल हिसाब वो किताब सामने आएगा कि आए अल्लाह, मैंने तो जो कुछ लिया है उससे कम नहीं दिया, अपनी दानिश में पूरा दे दिया। मौलाना नौशाद साहब ऐसे ही लोगों ने, उन्होंने हक को अदा किया, जिसका मतलब यह है कि इस आदमी के सामने हर वक्त हिसाब व किताब दुनिया में रहता था। इंसान की बदनसीबी ये है कि वो दुनिया के की नेमतों में पढ़कर अपनी आखिरत और हिसाब किताब को भूल जाए। जिसने याद रखा सौ फीसद कामयाब है। इस्लाम की रूह और तालीम यही है कि उस हिसाब के दिन को याद रख। इसीलिए इन आयतों में कहते हैं भूल गए, उन्हें ये यकीन नहीं है कि दोबारा जिंदगी होकर रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर हिसाब व किताब देना होगा। जो खुश नसीब इंसान है और हिसाब व किताब को याद रखता है, वही कल कयामत के दिन सुरखरू है। और कुरान यही फरमाता है, जो आदमी दुनिया में खौफ खुदा रखता था, हलाल और हराम को जानता था, हलाल को जिंदगी में उतारता था, हराम से अपने आप को पाक रखता था, रात और दिन मौत और मौत के बाद इलाहुल आलमीन के सामने हिसाब व किताब को याद रखता था, कुरान कहता है कल कयामत के दिन उसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में होगा। और जो भुलाए हुए था, जिसे कभी याद ही नहीं आया कि मरना है, हिसाब देना है, कर क्या रहा है, उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में। जिसका नाम है आमाल दाहिने हाथ में मिल गया, मारे खुशी के दीवानों फूला नहीं समाएगा। कुरान कहता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल, जिस खुश नसीब को दाहिने हाथ में मिल गया, जो मिलेगा कहेगा फयकुलु हा हाँ, देखो क्या देख रहे हो मुझे, आओ आओ आओ, देखो देखो है क्या इसमें, ये करो किताब, या मेरी किताब पढ़ के तो देख, ऐसे ही थोड़े ही ना है हाथ में मिल गया है, इसमें है क्या लिखा हुआ, देख तो उसे, मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा है। और फिर क्या कहता है, इन्नी वनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबी, मैं दुनिया की जिंदगी में रात और दिन तन्हा हूँ, लोगों के साथ हूँ, खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, हर वक्त मैं ये यकीन रखता था क्या कर रहा है, कल हिसाब व किताब सामने आएगा। अगर कदम बढ़ाता था तो हिसाब व किताब सामने, हाथ बढ़ाता था तो हिसाब व किताब सामने, काम करता था तो हिसाब व किताब सामने। ऐसे थोड़े ही मुझको इसके अंदर मिल गया दाहिने हाथ में। ये उन लोगों की, उन खुश नसीबों की चीज है जिन्होंने हर वक्त रात में दिन में तन्हाई में लोगों के साथ देख रहा है, मालिक नहीं देख रहा, हर वक्त अपने सामने लगा कि पता नहीं कब मर जाऊं, दोबारा उठूंगा तो हिसाब व किताब के في جنة عالية قطوفها دانية
कुलो वशरबू हनीअन बिमा अस्रफतुम फिल अय्याम, वो जन्नत के अंदर जाएंगे। और वो जिसके बाएं हाथ में वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम उत किताबिया, जिसके नामे आमाल बाएं हाथ में है अफसोस से कहेगा काश के ये नामे आमाल चूहों ने काट लिया होता, दीमक लग गई होती, आग में जल गए होते, मुझे मिलते ही नहीं नामे आमाल। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैंने तो कभी जाना ही नहीं, ख्याल भी नहीं आया हिसाब व किताब क्या है। अम्बिया ने कहा, मैंने कहा सब झूठे हैं। अम्बिया के मुत्तबिरीन ने कहा है कि मरना है, इस हमने कहा पागल हो तुम जाओ, आज उसका बदला मुझे मिल रहा है। मेरे भाई वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी जैसे उनकी जिंदगी थी, वो वही लोग हैं कि जो अपने सामने अपना हिसाब किताब रखते हैं। हमेशा जो आदमी दुनिया के अंदर अपने हाथ को, पैर को, आंख को, नाक को, नहीं दिमाग को, दिल को गुनाहों से महफूज रखता है, इसका मतलब यह है कि दुनिया देख रही है, नहीं देख रही है, उसके सामने उसका हिसाब है। बुद्ध जी ने किस्मत मर जाओ, और उनका यही हुआ, घर में नहीं मरे। चलते चलते बैठने का इरादा किया स्कूटर में और जान निकल गई, खत्म हो गए। हर वक्त आदमी अपने बारे में इस चीज को जहन में पुख्ता रखे, खुदा जाने किस्मत कहां चलते चलते, बात करते करते, सोते सोते, जागते जागते, खुदा जाने कहां जान निकल जाए। जो आदमी अपनी दुनिया की जिंदगी में अपनी आखिरत और मौत को याद रखेगा वही आदमी कामयाब है, और जिसने भुला दिया वो नाकाम। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमि लज़्ज़ात, दुनिया की लज्जतों को, खाने पीने ऐशो इशरत को भस्म कर डालने वाली चीज उसको याद रखा करो, और बहुत ही अक्सर कसरत के साथ याद रखा करो। ये कौन सी चीज है, फरमाते हैं मौत, मौत को याद रखा करो। जो लोग याद रखते हैं दुनिया के अंदर मौत को, उनकी जिंदगी जिंदगी है। ये तो मैंने आखिरत की बात बताई, इस दुनिया के अंदर उनकी मौत हकीकतन मौत नहीं होती। मौत तो इसका नाम है कि ना आदमी की जबान चल रही है, ना आदमी का हाथ चल रहा है, ना आदमी का दिमाग काम कर रहा है, नहीं। वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी अपने अल्लाह के सामने मौत के बाद दोबारा जिंदगी होकर पहुंचना, जिंदा होकर पहुंचना, हिसाब व किताब को याद रखा है, वो दुनिया में दुनिया कहती है कि मर गया। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, ये अभी जिंदा है। जो मोमिन है, अच्छे काम करने वाला है, दिल में खुदा का खौफ रखने वाला है, फिक्र आखिरत रखता है, मौत को सामने रखता था, मौत आ गई और लोग उसे कांधे पर लेकर चलते हैं, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हकायक को देखने वाले, हकायक को सुनने वाले, वो फरमाते हैं कि लोग इसे लेकर चलते हैं और ये शोर मचाता कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी लेकर चलो, आगे बढ़ो, आहिस्ता क्यों चल रहे हो, तेज लेकर चलो। क्यों? फरमाते हैं कि कब्र के अंदर खुदा की रहमत इसका इंतजार कर रही है, ये चंद लम्हे जो ये कंधों पर चल रहे ये भी इस पर शाख गुजर रहे हैं,
लेके चलो जल्दी लेकर, अगर मर गया तो क्या पता इसे। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक कहता है, आवाज लगाता है, कद्दीमूनी कद्दीमूनी, आगे बढ़ाओ लेकर चलो। इसीलिए हुक्म है कि देर मत करो। अच्छा, अब एक वो शख्स है जो दुनिया में हराम कमाता था, हराम खाता था, आखिरत याद नहीं आती थी, आखिरत की फिक्र नहीं थी, अब वो मरता है लेकर लोग चलते शोर मचा, या वो इलाहा अय्न तज़हबून, अरे नाश हो तुम्हारा, कहां लेके जा रहे हो मुझे, क्या देख रहा है? खुदा के अज़ाब को देख रहा है। जो आदमी दुनिया में अपनी आखिरत की फिक्र रखता है और जिस तरह अपने हक से मोहब्बत है, दूसरे के हक से वैसी ही मोहब्बत रखता है, इसका मतलब है कि वो मौत को हर वक्त अपने सामने रखता है। नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में होगा। दुनिया में मौत के बाद भी वो जिंदा है और अच्छी जिंदगी से जिंदा है। खुदा की रहमत को देख रहा है, कब्र के अंदर ये अच्छी जिंदगी है, दूसरा भी देख रहा है, मगर वो खराब जिंदगी है। ये वो खुदा के अज़ाब को देख रहा है, खुदा की रहमत के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर उसे कभी खौफ आखिरत का ही नहीं, हलाल और हराम का इम्तिहान ही नहीं था। मेरे भाई, दुनिया की इस जिंदगी का अंत और आखिर, हकीकत यह है कि मोमिन के लिए बहुत अच्छा है, मगर मोमिन से मुराद वही मोमिन है जिसके सामने खौफ आखिरत है। और अल्लाह जो बात फरमा रहा है, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते हैं कि इस दुनिया के बाद मौत भी आनी है, मौत के बाद दोबारा जिंदगी भी आनी है, और जिस दिन जिंदगी आएगी वो बहुत बड़ा अजीम दिन होगा। क्या मतलब है अजमत का? कि उस दिन सारी दुनिया के लोग, यकूम الناس لرب العالمين, अपने परवरदिगार आलम के सामने खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, क्या हिसाब किताब देंगे? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ। وہاں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب یہ ہوگا کہ نامہ اعمال دو ترازو کے پلے ہیں، اس پلے میں رکھ دو اچھے، اس پلے میں رکھ دو خراب، کس کا وزن زیادہ ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا۔ अगर तराजू के अंदर आमाल हसना और नेकियों का वजन भारी हो गया तो उसके लिए जन्नत है, और अगर ये हल्के पड़ गए, गुनाहों का बोझ ज्यादा हो गया तो उसके लिए जहन्नम है। यही गिन कर फैसला नहीं होगा, बल्कि वजन। वजन का क्या मतलब है? किस चीज से वजन पैदा हुआ? एक नमाज मैं पढ़ता हूँ, दुनिया की नमाज, खुदा का खौफ कभी आता भी नहीं। एक वो नमाज है जो खुदा का वली पढ़ता है, कोई उसे लगता है कि वो हाथ बांधे अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़ा हुआ है। नमाज तो ये की है, चार रखते मैंने भी पढ़ी चार। वजन गिनने में तो इस तरह की नमाजें हो सकता है कि उसके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा हो जाए वली के मुकाबले में। क्यों? उसकी उम्र कम हुई, इसकी उम्र 100-110 हो गई, और वो तो 70 साल के अंदर दुनिया से चला गया। लेकिन वजन अमल के अंदर पैदा होता है इखलास और इल्लाहियत की वजह से। जो काम कर रहा है अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है लगता है कि अल्लाह उसके सामने है, सजदा कर रहा है लगता है खुदा के सामने। वजन यहाँ पैदा होता है अमल के अंदर। आज दुनिया में किसी अमल का कोई वजन नजर नहीं आता, कल कयामत के दिन वजन नजर आएगा।
खड़ा हो जाएगा और देखेगा कि कौन सा पल्ला झुक रहा है। अमल सालिहा का पल्ला झुक गया, वही खुश नसीब है, उसके लिए जन्नत है, उसी का नाम है अमल उसके दाहिने हाथ में। जब पुल सिरात जिसको कहा जाता है उसके ऊपर से गुजरेंगे, जो जहन्नम के ऊपर है, जो मोमिन सालेह है वो तो जिस तरह बिजली कौनती है उसके ऊपर से निकली, वो है जिसका नाम है अमल उसके दाहिने हाथ में, और जो वहां बदनसीब था वो उस पुल से जहन्नम के अंदर गिरेगा। पुल को पार करके अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के ऊपर पहुंचकर उस हौज़े कौसर से प्यास बुझाएगा, कौन बुझाएगा? इसका नाम है अमल दाहिने हाथ में। वो कौन है जो दुनिया में हर वक्त आखिरत का ख्याल रखता था, किधर नजर डाल रहा है अल्लाह देख रहा है, किधर कान लगा रहा है अल्लाह देख रहा है, क्या जबान बोल रहा है, सच है झूठ है, किसी की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहा है अल्लाह सुन रहा है, जो ये कर रहा है उसका नाम है अमल भी दाहिने हाथ में, उसका तराजू के अंदर अमल साले का पल्ला भी भारी है, वो इस सिरात के ऊपर से आगे जा रहा है और वही हौदे कौसर पर प्याज और जन्नत उसी के मुश्ताक है, खुली हुई है, वही जन्नत में जा रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जिस तरह अपने महलों के अंदर अपनी आबादियों में बगैर किसी के बताए अपने घर पहुंचते हो, इसलिए कि रात और दिन तुम घर के रास्ते को जानते हो, ये जन्नती अपने घर पर किसी तरह पहुंचेगा, किसी के पहुंचाने की जरूरत नहीं, ये भी अल्लाह का इनाम है उसके ऊपर। इसलिए मेरे भाई, मैं तो यही बात कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत रहमत और नेमत से नवाजा था, उन्होंने जमीयत उलमा की खिदमत की और इस तरह खिदमत की है कि जमीयत उलमा ने जो कुछ उनको दिया है उनकी मेहनत का हक, यकीनन उनकी मेहनत उससे कम नहीं थी, उससे जायद दी थी, उनका आना जाना चलना फिरना हर वक्त, हालांकि कोई जमीयत का आदमी तो उनके साथ रहता नहीं था जो ये कह सके, शिकायत कर सके कि इन्होंने काम नहीं किया जमीयत का। इसका मतलब है कि वो ये जानते थे कि कोई शिकायत करने वाला नहीं है, लेकिन एक अल्लाह है कि जो हर वक्त हर जगह मेरे साथ है, जानता है वो मैं क्या कर रहा हूं। हर आदमी को ऐसा ही बनना चाहिए, ये यकीन अपने दिल में रखना चाहिए कि हर वक्त अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है। जो लोग अपने अंदर इस यकीन को कामिल तौर पर रखते हैं वो कामयाब है, और हम जैसे जाहिल लोग अगर इसको भुला देंगे तो हमारे लिए आखिरत के मंजिल खुदा जाने कैसी गुजरेगी। अगर अल्लाह ने अपनी रहमत बेकरार और मगफरत का मामला नहीं किया तो अगली मंजिल बहुत सख्त और परेशान हो। मैं इसलिए आया था यहाँ के मौलाना की तादियत करूँ, मैं आप सबके और ख़ास तौर पर उनके बच्चों के गम में शरीक हूँ। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन बच्चों को अपने बाप के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब जितने लोग यहाँ हाजिर हैं हमारी दुनिया को भी आबाद फरमाए, हमारी आखिरत को भी आबाद फरमाए। इन बच्चों का दूसरा मसला ये था कि इन्होंने आज अपने मकान की पहली बुनियाद रखी है। मैं तो आपसे कहता हूँ और खुदा शाहिद है, मैं तो तबाह हाल आदमी हूँ, मगर इनकी मोहब्बत की बात है कि इन्होंने इसको इस पर मौकूफ कर रखा था कि मैं आऊँ तब ये मकान शुरू करेंगे। ये कोई चीज़ नहीं थी,
इन्हें खुद शुरू करना चाहिए था, खैर व बरकत मेरे या किसी आदमी के शुरू करने पर, मुझ जैसे आदमी के शुरू करने पर दुआ नहीं। खैर व बरकत तो माल हलाल से अल्लाह की तरफ से पैदा हो। अगर इन्होंने अपनी रोजी को हलाल किया है तो ये अगर मट्टी पर भी हाथ रखेंगे तो अल्लाह उसको सोना बना देगा। दूसरी बात यह है कि आखिरत तो हर एक के पास आनी है। जहाँ हमारे बड़े चले गए, क्या यह है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? हमें भी वहाँ जाना है। लेकिन मैंने कहा कुरान की आयात और अहादीस से कि वहाँ की मंजिल की आसानी जब ही है जब इस दुनिया के अंदर हर मरहले पर आदमी अपनी आखिरत को याद रखता है। जितना ज़्यादा याद रखेगा आखिरत की मंजिल उतनी ही आसान हो जाएगी। आजकल हमारा हाल ये है कि वो बुजुर्ग लोग जिनकी ज़िंदगी बल्कि उनके चेहरे को देखकर लोगों को आखिरत याद आती थी वो तो दुनिया से हो गए। अब तो हम लोग उनके नाम पर रोटी खाने वाले लोग हैं। हमारे पास ऐसी चीज नहीं है कि हमारी सूरत को देखकर किसी को आखिरत याद आए। अब तो सारा मदार कुरान और हदीस के सुनकर और उसके ऊपर अमल करना है। अल्लाह जिस किसी को तौफीक अता फरमा दे वो कामयाब है, जो इससे महरूम हो गया वो नाकाम और नामदार। इसलिए मेरे भाई, मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि भाई कमाओ चाहे जितना कमाओ, कमाने की कोई मनाही इस्लाम के अंदर नहीं है। चाहे जितना कमाओ, अल्लाह के नबी के सहाबा सारे के सारे फकीर थे, जब बड़े बड़े दौलतमंद थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत का कोई ठिकाना है? आपने चंदे की अपील की और गए घर में और 1000 सोने के सिक्के ला कर के थैली में आपकी गोद में डाल दिए। बाद लोग तारीख में आता है कि आपने फिर अपील की, फिर गए 1000 ला करके दे दिए, फिर गए फिर लाए 1000 दे दिए। जो आदमी चंदे में 3000 सोने के सिक्के दे दे उसके घर में कितना अंबार होगा? कहाँ से आ रहा था? कमा रहे थे। कमाने की कोई मनाही इस्लाम में नहीं। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर पेशा थे, सब कुछ छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी तरफ आ गए और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद मदीना मुनव्वरा में आके तिजारत शुरू कर दी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उन्हें भेजे, भाई ये तुम्हारे भाई हैं, इनके खबरगिरी करो। उन्होंने कहा आपको अल्लाह के नबी ने मेरा भाई बनाया है, मेरी दो बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक देता हूँ, इज्जत गुजर जाए आप उसे शादी करने, मेरे जितने बागात हैं आधे आधे करता हूँ, आधा आप लें आधा मैं, इसलिए कि आप मेरे भाई हैं। और एक तो भाई वो है जो माँ बाप शरीक है, आपको तो भाई रसूलुल्लाह ने बनाया है। लेकिन हम जैसा को बता जला कर ला कह के और कब्जा कर लेता, उन्होंने कहने की आप मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, मैं तो अपना कुआं खोदूंगा और पानी पीऊंगा, आपके कुएं से पानी नहीं पीऊंगा। चुनाचे बाजार का रास्ता बता दिया गया और गए और सुबह से इधर से खरीदा उधर भेज दिया, उधर से खरीदा इधर नहीं, थोड़ा सा ही बच गया कारोबार में। और थोड़ा सा एक और चीज होती है अक्त, जो वहाँ होती है बड़ी खट्टी होती है, ऊँटनी के दूध को तपते तपते पत्थर पर कपड़ा बिछा करके या रेत पर, और जैसे जलेबी टपकाई जाती है उस दूध को ऐसे ऐसे टपकाते हैं, वो टपकता रहता है और जमता रहता है इतना और फटता रहता है, नहायत खट्टा होता है। ये कुछ बचा, उसके बाद कारोबार शुरू कर लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद एक मर्तबा उनका सामान्य तिजारत
मदीना मुनव्वरा में आया तो उनके आज तो ट्रकों में आता है, उस वक्त तो ऊँटों में आता था। सारे बाजार गली कूचे अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँटों से तिजारत के सामान से भर गए। शोर मच गया कि अब्दुल रहमान इब्न औफ का सामान तिजारत आया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहलवा के भेजा कि अब्दुल रहमान अल्लाह के नबी को गए हुए तो अभी कुछ ही दिन गुजरे, तुमने अपना दिल इतना दुनिया से लगा लिया कि शोर मच रहा है कि कारोबार अब्दुल रहमान इब्न औफ का सामान तैयार है। फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन ये तो मेरा मशगला है हमेशा का, मेरा दिल इससे नहीं लगा। अल्लाह के नबी ने जिस आखिरत में दिल लगाया था मेरा दिल उसी आखिरत में लगा हुआ है। और अभी दिखाता हूं मदीना मुनव्वरा में शोर मचा हुआ था, लोग जो दौलतमंद थे पूंजीपति लोग वो आने लगे कि अब्दुल रहमान हमको 10 मन दे दो, कोई कहता 25 मन दे दो, कोई 50 मन दे दो। अब्दुल रहमान हर एक से कहते कि मैंने बेच दिया, मेरे पास सामान नहीं है। लोगों ने कहा कि अब्दुल रहमान यहाँ कौन ऐसा पूंजीपति है जो सामान तुम्हारा खरीदेगा, खरीदने वाले कहाँ हैं। तब फरमाया मैंने उस जात को बेच दिया जो एक के बदले में 10 देता और सारा सामान सस्ता कर दिया। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहलवाया कि ये है मेरी तिजारत, मेरा दिल आखिरत से जुड़ा हुआ है। जो अल्लाह के नबी ने रास्ता दिखलाया था मैं उस रास्ते से हटा नहीं हूं। मेरे भाई ये है वो लोग कि जिनको आखिरत याद आती है और वो इसी तरीके पर कमाते हैं। मजाल नहीं जो जरा हराम का शुबहा हो, और मजाल नहीं कि हराम में खर्च कर दें, जहां उनकी आखिरत आबाद होती है वहां खर्च कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज मुतहरात को छोड़ करके दुनिया से चले गए और आखिरी उम्र में कभी कभी फरमाया करते थे कि यहूद मुनि मुझे हम में डालता है कि मेरे बाद तुम्हारा अमरु यहूद मुनि अमरु खुद न बाकी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला खुदा जी मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, मेरे जाने के बाद कौन है जो तुम्हारी खबरगीरी रखेगा, तुम्हारे हक को कौन अदा करेगा। अब्दुल रहमान इब्न औफ को दुआ देती हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, और दुआ बड़ी अजीब व गरीब। उनके बेटे से फरमाती हैं सकल्लाहु अबाका मिन सलसबीलिल जन्नत। कुरान कहता है कि जन्नत के अंदर एक चश्मा अल्लाह ने बनाया है पानी का, जिसका नाम है सलसबील। ये दुआ करती है कि तेरे बाप अब्दुल रहमान इब्न औफ को अल्लाह ताला जन्नत के जो स्रोत है चश्मा सलसबील है उसका पानी पिलाए। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मदीना मुनव्वरा का बागीचा खजूर का, जो बड़ा कीमती बाग था, वो बाग अज़वाज मुतहरात के खर्च के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। लोग कहते हैं कि जब सब अज़वाज मुतहरात दुनिया से उठ गई तो उस बाग को बेचा गया तो उसकी कीमत बाद लोग कहते 40,000 दिरहम थी। उस जमाने में 40,000 बादशाहों का फर्ज था। मतलब ये कि लोग ऐसे थे कि जिनके सामने दुनिया कुछ भी नहीं, एक मच्छर के पल के बराबर में हैसियत नहीं थी, और हर वक्त उनके सामने उनकी आखिरत रहती थी। मरना है किस वक्त आ जाए मौत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मरना है तो हिसाब व किताब देना है। मेरे भाई मैंने तुम मौलाना नौशाद साहब पर बात छेड़ी थी, हकीकत यह है कि मुझे उनकी जिंदगी के अंदर ये वस्त नजर आता था
कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी के रुख को के लिए रास्ता मुतय्यन किया था वो यही था कि हर वक्त आखिरत सामने है। जमीयत उलमा का मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे साथ रहते थे वो, लेकिन जमीयत उलमा पर कभी ये बात नहीं आई कि उन्होंने उसके हक को तल्ख किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग मुबव्विन में से नहीं थे जो बात मैंने कही थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दिल और दिमाग दिया था कि वो हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि मैं जितना अपना हक ले रहा हूँ वो इतना ही हक नहीं, इससे जायद मैं हक जमीयत उलमा को दे और मैं इसकी गवाही देता हूँ कि उनके ऊपर जमीयत उलमा का कोई हक बाकी नहीं है, न हमें उनसे कभी शिकायत नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी औलाद के साथ भी यही मामला फरमाए, उनके दिल के अंदर भी उन्हीं की क्या बल्कि हम सब के दिल के अंदर आखिरत का खौफ पैदा फरमाए और हमारी दुनिया की जिंदगी को भी आबाद फरमाए, आखिरत की जिंदगी को भी आबाद फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने जो दुआ करा दी आपने आमीन कह भी दिया, हम क्या कहूँ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أي إله العالمين هم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اللہ، آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، آپ احد ہیں صمد ہیں اکیلے ہیں اور آپ سب سے بڑے ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، اے اللہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے نہ آپ کسی کے باپ اور ماں ہیں، آپ جیسا اے اللہ کوئی نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمال آپ کی ذات میں اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اے پروردگار ہمارے آقا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار اس مجمع میں ہم کو جو کہنے اور سننے کی آپ نے توفیق دی ہے، اے اللہ اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی ایسی محبت جو ہمیں آخرت سے غافل فرما کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی اس محبت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے ہاتھ پیر کو، آنکھ ناک کان زبان کو، ہر چیز کو راہ ہدایت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار گناہوں سے معصوم فرما. اے پروردگار ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو حفاظت ہدایت عطا فرما. اے پروردگار ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرما. اے اللہ بولی نوشاد کے بچوں نے جس گھر کی آج بنیاد رکھی ہے، اے اللہ اس مکان کو اور اس مکان کے مکینوں کو ہدایت پر قائم فرما، آباد فرما. اے پروردگار دنیا کو بھی آباد فرما، آخرت کو بھی آباد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر
एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत को पैदा करना। ऐ परवरदिगार, हिंदुस्तान में सब बसने वालों के दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमा। जो हमारी पुरानी तारीख है हजारों साल की, कि हम एक दूसरे के साथ गांव दर गांव, बाजारों में, खेत खियारियों में, अपने घरों के अंदर प्यार मोहब्बत का मामला करते थे। ऐ अल्लाह, हमारी पुरानी तारीख को जिंदा जावेद फरमा दे। ऐ इलाहल आलमीन, जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, ऐ जमीन और आसमान के बादशाह, उन्हें खाइब व खासिर फरमा दे, जलील और रुसवा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा, जो जमातें दीन का काम कर रही हैं उनकी हिफाजत फरमा। और ऐ परवरदिगार, हमें हमारे अमल को कबूलियत अता फरमा, शुरूर और फितन से महफूज और मामून फरमा। ऐ परवरदिगार, जब मौत आए तो हुस्न खातिमा मैसर फरमा, अपनी जन्नत में जगह अता फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मैदान महशर में शफाअत से माला माल फरमा। ऐ परवरदिगार, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारी दुनिया को भी आबाद फरमा, आखिरत को भी आबाद फरमा, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। जो सुना है हम सबको उसके ऊपर अमल करने की सआदत मैसर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन।